वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तौर पे कुछ हेयर स्टाइलिंग जो मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीनरी है, उनका आपके सामने रिव्यू दूंगी। क्योंकि अगर हम एक सैलून को रन करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जो कि हमारी पार्लर की इनकम को जो है वह जनरेट करने में अहम किरदार अदा करती है। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसा कि अगर हम देखें एक सैलून में हमें एक स्ट्रेटनर, एक अच्छा स्ट्रेटनर जिसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी हो कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और आपको क्विक से रिजल्ट भी दे, तो ऐसे में आपको एक अच्छे स्ट्रेटनर की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जब आपको बहुत वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइलिंग बनाने पड़ती है तो उसके लिए आपको एक अच्छा क्रिम्पर कि जिसको आपको बहुत जोर से प्रेस भी ना करना पड़े और आप इजिली जो है वो क्विक से उसको जो है काम करें, यानी कि ये नहीं कि आप एक क्रिम्पर को लिया और उसको पकड़ के एक ही जगह दबाते रहे, दूसरी जगह दबाया, तीसरी जगह, इस तरह तो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो ऐसा क्रिम्पर होना चाहिए कि जो फटाफट बस एक ही दफा गर्म किया और फटाफट से जो है वो उसका क्विक क्विक जो है वो वर्किंग हो। तो ऐसे क्रिम्पर होने चाहिए, ऐसे स्ट्रेटनर होने चाहिए। जब हम केमिकल अपने हेयर्स पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं या ट्रीटमेंट इस तरह के करते हैं, रिबॉन्डिंग्स वगैरह जैसे सैलून की जो है वो इनकम को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा काम आती है, तो ऐसे में जो है ऐसा स्ट्रेटनर जो आपके रिबॉन्डिंग के रिजल्ट को 100% करे। तो और साथ ही कुछ आयरन भी है, यानी कि कर्लिंग आयरन, ठीक है, कौन आयरन, उसका भी मैं आपको साथ थोड़ा सा रिव्यू दूंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद के जो है वो इजीली अपने सैलून पे जो है प्रोफेशनल यानी कि प्रोडक्ट है जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है उनका आपके सामने जो है वो रिव्यू दूंगी, ताकि आप इस चीज को जज कर सके कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है और कौन सा नहीं है। क्योंकि जब हमारे बिगिनर्स हैं वो जब भी बाजारों में जाकर शॉपिंग के लिए जाते हैं और उन्होंने अपने सैलून को भी रन करना होता है तो उनको ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें रिबॉन्डिंग के लिए स्ट्रेटनर कौन सा लेना है, स्पेशल आयरनिंग के लिए कौन सा स्ट्रेटनर लें, अगर हमें बहुत क्विक काम करना है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपको देखेंगे बाजारों में, जो जितने भी प्रोडक्ट मिलती है वो अक्सर ज्यादातर फेक ही होती है, तो ऐसे में जाहिर आपसे वो दुकानदार काफी ज्यादा रकम भी जो है वो ले लेते हैं और उसके बावजूद भी जब आपको आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलती तो आप काफी परेशान जो है वो हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैं आपको रिव्यू दूंगी, बल्कि मैं आपको स्पेशल तौर पे जो है वो उनका वर्किंग भी दिखाऊंगी और साथ में आपको ये अपॉर्चुनिटी भी दूंगी कि आप अगर इन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहेंगी तो आप नंबर पे दिए गए मेंशन किए गए नंबर पे, यानी कि स्क्रीन पे मैं नंबर मेंशन करूंगी, आप वहां से जो है इन प्रोडक्ट्स को अपने घर पे भी मंगवा सकती हैं। और इंशाल्लाह इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो है गारंटी होगी, तकरीबन एक साल की गारंटी के साथ जो है वो आपको ये प्रोडक्ट्स दी जाएंगे, ताकि आप इनको अच्छे से चेक करके आप इनके रिजल्ट को देख के जो है तो फिर ही आप इनको जो है वो परचेज करें। बहरहाल आप जो है जैसे आपका दिल जहर है, आप प्रोडक्ट्स में कुछ बहुत हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कुछ बहुत नॉर्मल जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सैलून पे यूज की जाने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी हेयर स्टाइलिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कम से कम जो है वो 8000 से की रेंज से जो है वो शुरू होती हैं, ठीक है, कम से कम रेट्स में 8000 से शुरू होने के बाद फिर वो 50000 तक भी जो है वो जाती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग अपने पार्लर के आप जो है उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। अगर आप बहुत हाई फाई पार्लर बना रहे हैं तो आप 50000 का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप जो है वो 6-8000 का स्ट्रेटनर या क्रिम्पर या टोंग वगैरह जो है वो ले सकती हैं, ठीक है। कायदा मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ स्ट्रेटनर की और क्रिम्पर की और साथ ही और टॉन्ग जो यानी कि कर्लिंग आयरन कौन आयरन है उसका भी रिव्यू करूंगी। तो हमारी वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखते रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो और आपको इससे कुछ नॉलेज मिला।